राजस्थान में रौनक चौगुनी बचत राहत बढ़त की राजुनी राजस्थान में रौनक चौगुनी होजी होजी होजी। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, लिहाजा चुनी हुई सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जन कल्याण के लिए समर्पित रहे, उसकी योजनाएं ऐसी हो जिनसे न सिर्फ आम जन को राहत मिले बल्कि उसे आगे बढ़ने के भी भरपूर अवसर मिले। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उनकी आज देश भर में चर्चा है। ये योजनाएं प्रदेश के आखिरी छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाने के मकसद से अब महंगाई राहत कैंपों का जाल बिछा दिया है सरकार ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन शिविरों में पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, आम जन भी उनसे खुलकर बात कर रहे हैं। का मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पच्चीस हजार मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस पूरा करने के बाद 40,000 की ओर से अतिरिक्त 25 दिवस के रोजगार का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पहले मिलते ही था, फ्यूचर गवर्नमेंट पच्चीस दिन और देगी। ठीक है, दो पशुओं का बीमा गाय भैंस, ठीक है ना, दो का बीमा अपन करेंगे, मालूम है बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, बिजली का कितना का बीमा है, इलाज का ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राशन किट मिलेगा, बात भी होगी, रोजगार भी है। किसी जन सेवक के लिए इससे ज्यादा सुकून क्या होगा कि लोग उसे दुआएं दे रहे हों? जो लाभ पात्र लोगों को मिल रहे हैं वे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में फ्री राशन, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए, कामधेनु योजना में पशुओं का बीमा, 25 लाख तक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। लेकिन क्या वास्तव में ये लाभ लोगों तक पहुंच रहे हैं? जी हाँ, राहत मिलने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। आलम ये है कि किसी बुजुर्ग के आंसू छलक पड़ते हैं तो कोई वृद्धा भावुक हो उठती है। मैं सताराम चौधरी, विलेज सुल्ताना, पंचायत समिति रोहित, तहसील रोहित, जिला पाली, राजस्थान का मूल निवासी। मुख्यमंत्री अशोक जी ने जो योजना लागू की है महंगाई के प्रति, उन योजना से जनता को इतना फायदा हो रहा है और मुझे जो फायदा हुआ है, कुछ फायदा का सबसे पहले तो ये मान रहेगा, मैंने तो 25 दिन कर दिए, कामधेनु योजना का फायदा कर दिया, चिरंजीवी योजना, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 25 लाख का आपके इलाज के लिए पैसे, उसके बाद में भी कुछ प्रॉब्लम होती तो 1,000 की पेंशन एक्स्ट्रा देंगे, देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है इसके बारे में। गणेश बाड़ी में रहती हूँ, मेरा नाम अनिता पारसर है और ये अशोक गहलोत जी ने जो ये कैंप लगवाया, मैं इसमें आई थी, मुझे बहुत सुविधा मिली है। एक तो ये अन्नपूर्णा की मिली है, बिजली की मिली है और ये बीमा योजना है वो मिला है, और बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक गहलोत जी का जो इन्होंने गरीबों के लिए ये योजना करी है। मेरा नाम धर्मेंद्र सक्सेना है, महारानी फार्म गायत्री नगर में रहता हूँ। ये कामधेनु पशुपालक योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी योजना है, इसमें गांव वालों को 40,000 तक का बीमा है पशु के मृतक होने पर, इसलिए ये योजना बहुत फलीभूत उनके लिए। ऋषि शर्मा है और मैं यहाँ कैंप में आई थी, मैं सुबह कैंप में आई, मुझे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, वाटर पानी की, ठंडा पानी, कूलर, गर्मी से बहुत राहत भी है, तो कैंप में मतलब कैंप टैंक वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन यहाँ पर ना सारी जगह एक ही चीज़ है, पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा का और ऋण का, जो भी सारे लाभ हैं अशोक गहलोत जी तरफ से सारे हमें एक ही जगह मिल रहे हैं और जल्दी ही हमारा काम यहाँ बड़ी आसानी से हो रहा है। और इसके लिए मैं अशोक गहलोत जी को, अपने सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जिस समय पेंशन भी ना, पहले 500 मिलती थी, हमारी पेंशन 1,000 हो गई, इसके लिए मैं बहुत सहज दिल से धन्यवाद।
राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे विषम परिस्थितियां भी यही हैं। फिर भी सरकार जन जन तक पहुंच रही है। ऐसा नवाचार राजस्थान से पहले इस देश में कभी और कहीं नहीं हुआ है। इन शिविरों ने अनगिनत चेहरों पर मुस्कान दी है। होगी बचत, मिलेगी राहत और हर दिन बढ़त। हर आवाज में मानो गूंज रहा है महंगाई से राहत का साज। जो हमारी योजना थी वो तो हमारे को मिल चुकी, मिल रही है और मिल भी रही है। खादी सामग्री का भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है और ये अब और हमारा ये भी और हो गया काम चिरंजीवी का भी हो गया, 25 लाख का हो गया, 10 लाख दुर्घटना का हो गया। काम हो रहा है हमारा, बढ़िया काम हो रहा है हमारे। धन्यवाद हो मुख्यमंत्री जी ने और ये योजना निकाली जे, बहुत बढ़िया योजना निकाली जे और साथ रहने वाला साथ ही चलाने वाली। मुझे ये फ्री राशन का लाभ मिला है, चिरंजीवी जो 25 लाख का है वो मिला है और 10 लाख का दुर्घटना बीमा योजना का मिला है। श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने राजस्थान सरकार में हमारे लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है और प्रशासन का भी पहले भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम कल्याण प्रजापति है और ये गहलोत साहब ने जो राहत कैंप लगाया है उसमें बहुत सारी स्कीमें दी है जो आम जन के लिए बहुत फायदेमंद और लोगों के लिए लाभदायक रहेगी और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत साहब को भी और सारे जो वर्कर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा कैंप चल रहा है, सब लोगों को पार्षद और यहाँ के जो लोग बाग है जनप्रतिनिधि हैं वो सहयोग कर रहे हैं और विधिवत सारा काम हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है। गहलोत साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कमलेशा गाँव का सौदा है। मुझे ये गवर्नमेंट कर रही है सब चीज का लाभ मिला है, मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ, गवर्नमेंट के लिए धन्यवाद। 700 से शुरू हुए ये कैंप 2700 तक तो पहुंचेंगे ही, इन्हें और भी बढ़ाया जाएगा। कई शिविर तो स्थायी रूप से तब तक काम करेंगे जब तक हर पात्र व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। सुनिए ये गीत जो सारांश है इन शिविरों का। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बांफड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राजुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, होजी होजी होजी।